हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षाधी ब्लॉग्स आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ तो गाइज़ अभी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं सोकर उठी हूँ जस्ट अभी और ना इतना ज़्यादा आलस जो है वो आया हुआ है मुझे मेरा मन ही नहीं कर रहा था बिस्तर से उठने का बिल्कुल भी लेकिन क्या करें उठना तो पड़ता ही है ना सुबह सुबह के टाइम पर इतना ज़्यादा आलस आता है चाहे आपको आधी रात तक नींद ना आए लेकिन जब सुबह उठने की बारी आती है ना तो वो सारी नींद जो है वो सुबह इतनी हावी हो जाती है कि बिल्कुल ही उठने का मन नहीं करता लेकिन उठना ही पड़ता है क्योंकि भाई देखो रोज़मर्रा के काम है ना वो तो हमारे लिए आ, लेट नहीं हो सकते हैं हम कितना भी लेट हो जाएं लेकिन हमें अपने काम टाइम से करने होते हैं और क्या होता है कि कभी अगर जैसे बच्चों की छुट्टी वगैरह स्कूल की हो भी जाती है कभी सोचो कि थोड़ा लेट उठ जाएंगे तो उसी हिसाब से हमारे काम जो हैं वो भी चलते रहते हैं बहुत लेट हो जाता है तो फाइनली यहाँ पर मैं फ्रेश वग़ैरह होकर आ चुकी थी और मैं अपने लिए बना रही हूँ यहाँ पर गर्मा गर्म चाय क्योंकि मैं कई वीडियोस में ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जब तक मैं चाय ना पीऊँ ना सुबह की चाय मुझे जब तक ना मिले तब तक मेरा जो दिन है वो स्टार्ट नहीं होता है बिल्कुल भी तो यहाँ पर ज़्यादा नहीं थोड़ी ही चाय मैंने बनाई है और गर्म गर्म चाय पीने का मज़ा ही कुछ और होता है लेकिन ना अकेले बैठ चाय पीना बहुत ज़्यादा बोरिंग लगता है लेकिन क्या कर सकते हैं मेरे साथ चाय पीने वाला फ़िलहाल तो कोई है नहीं है हस्बैंड भी नहीं रहते हैं यहाँ पर वो बाहर ही रहते हैं क्योंकि वो अपना खुद का काम करते हैं तो उनका काम जो है वो यहाँ से बाहर ही चलता है इस वजह से वो हमेशा बाहर ही रहते हैं कभी कभार आते जाते रहते हैं घर पर तो यहाँ पर मैं अपने अकेले ही चाय बैठ कर इंजॉय करने की कोशिश करती हूँ सुबह सुबह और क्या होता है कि एक हाथ में फ़ोन ले लेती हूँ और जो वीडियोस वग़ैरह हैं जो भी है अपना लाइक कमेंट जो भी होता है वो मैं सुबह सुबह चेक करती हूँ और उसके बाद मैं साथ के साथ में अपनी चाय जो है वो इंजॉय करती रहती हूँ तो मेरे दोनों काम जो है वो होते रहते हैं तो यहाँ पर मैं कटोरी के अंदर चाय पीती हूँ मुझे ना कटोरी के अंदर चाय पीना ही पसंद है मुझे अच्छा लगता है कटोरी में चाय पीना और दूसरी चीज़ ये है कि चाय का ना ठंडे होने का ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता कप में क्या होता है कि कप में चाय बहुत देर तक गर्म बनी रहती है और गर्म चाय मैं नहीं पीती हूँ क्योंकि मुझे एसिडिटी हो जाती है एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि मेरी जो पित्त का ऑपरेशन है वो हो रखा है गाल गलब्रैंडर नहीं है तो इस वजह से मैं ठंडी चीज़ें ही खाना जो है वो प्रफेयर करती हूँ अपने लिए तो अभी यहाँ पर मैं चाय पीने के बाद लग चुकी थी अपने काम पे तो काम जो है मेरा वो है आज फ्रिज की क्लीनिंग करना फ्रिज जो है वो काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका था और इसकी मैंने ना पिछले महीने ही सफाई की थी लेकिन पता नहीं क्यों क्या होता है कि बहुत जल्दी जल्दी फ्रिज जो है वो गंदा हो जाता है एक तो इसका पता है क्या दिक्कत है कि जो ये आइस जो आइस जमाने वाला जो फ्रीज़र है उसके नीचे जो ट्रे लगी हुई है ना उसके अंदर क्या होता है कि हमारी सासू माँ जो हैं वो रख देती हैं मलाई दूध की बहुत सारी मलाई जो है वो अलग अलग बर्तनों में करके रख दी जाती हैं और उससे क्या होता है कि जब भी वो मलाई निकालती हैं ना तो जिस हाथ से उन्होंने मलाई निकाली होती है उसी हाथ से वो ट्रे को पकड़ लेती हैं अब जब ट्रे को उसी हाथ से पकड़ती हैं तो पूरे ट्रे पर ना मलाई लग जाती है और बर्तन कोई कोई ऐसा होता है जिसके अंदर वो बहुत सारी मलाई भर के रख देती हैं या फिर लोनी निकाल कर रख देती हैं घी के लिए तो वो क्या होती है कि वो थोड़ा बहुत ऊपर तक ज़्यादा जब भर जाता है तो वो थोड़ी बहुत निकल जाती है ट्रे के अंदर तो वो पूरी ट्रे जो होती है वो चिपचिपी हो जाती है बहुत ज़्यादा तो उसकी वजह से ना नीचे तक मलाई फैल जाती है तो और ज़्यादा ही मतलब आ, वो हो जाता है चिपचिप -चिप वाला जो होता है ना वो हो जाता है फ्रिज का हाल और साथ के साथ में अगर आपने गलती से भी फ्रिज बंद कर दिया सोचो कि आप दिन में फ्रिज चलाओ और आ, या फिर नाइट पूरी नाइट फ्रिज आपका चला हो और आप सोचो कि इसको दिन में थोड़ी देर के लिए बंद कर देते हैं एक आधा घंटा के लिए तो क्या होता है ना कि वो मलाई जो होती है वो स्मेल छोड़ने लग जाती है तो वो बहुत ज़्यादा जो गंदी वाली स्मेल होती है ना वो आती है उसके अंदर से तो मैं क्या ही बताऊँ बस फ्रिज का ना इतना बुरा हाल हो रखा था इस वजह से मैं कभी भी ना ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं दस बर्तनों तो के अंदर मलाई निकालूँ या फिर मैं बहुत सारी जो चीज़ें वो फैला कर रखो फ्रिज में मुझे लगता है कि एक ही बर्तन इनफ होता है मलाई वगैरह अगर आप निकालते भी हो तो एक ही बर्तन इनफ होता है आपको एक ऐसा बड़ा बर्तन ले लो जिसके अंदर आप मलाई आराम से निकाल सको और मतलब कई दिन की मलाई जो है वो इकट्ठी कर सको और साथ के साथ उस पर कोई कैप वगैरह हो बर्तन के ऊपर तो वो मलाई फैलेगी नहीं तो वो ज़्यादा बेटर रहता है बजाय इसके कि आप बहुत सारे बर्तनों में मलाई भर के रख दो जिससे कि फ्रिज भी बहुत गंदा होता है और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आती है क्योंकि काफ़ी सारी मलाई है अलग अलग बर्तनों में इकट्ठी होती है तो चलो कोई बात नहीं है तो अभी यहाँ पर मैं डीप क्लीनिंग कर रही थी अपनी फ्रिज की मैंने सोचा कि चलो इसके अंदर पहले मैं इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ फिर उसके बाद मैं इसके अंदर सामान लगाऊंगी और इसके अंदर जो भी पार्टिकल्स लगे हुए होते हैं वो सारे मैंने अलग निकाल के ना सिंक में डाले हुए हैं क्योंकि मैं उनको सिंक में ही साफ़ करने वाली हूँ यहाँ पर तो वैसे भी ऑलरेडी बहुत सारा पानी हो चुका है नीचे क्योंकि मैंने ना अच्छी तरह से जिससे बर्तन साफ़ करते हैं स्टील वाला जो जूना होता है उससे नहीं जो सॉफ्ट वाला होता है उसकी हेल्प से मैंने यहाँ पर फ्रिज को अच्छे से क्लीन कर लिया है और बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही और आप मेरा फ्रिज भी देख सकते हो एकदम से क्लीन हो चुका है एकदम से वाइट नज़र आ रहा है मतलब कोई भी अभी इसके अंदर जो गंदगी है वो नहीं बची है मैंने छोड़ी ही नहीं है और यहाँ पर अभी जो इसका जो गेट है उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी और इसी जूने के हेल्प से मैं इसका जो गेट है इसको भी क्लीन कर लूँगी तो देखो घर में साफ़ सफ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है गाइस क्योंकि फ्रिज एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हम खाना पीना अपना बचा हुआ स्टोर करते हैं और अगर उसके अंदर गंदगी है स्मेल है तो आप हाइजीन नहीं रख सकते बिल्कुल भी अपने खाने को मतलब उसमें ना गंदी वाली जो स्मेल है वो आएगी और उस खाने को आप खा ही नहीं सकते हैं और उस खाने के बाद ना उसको बीमारी ही पड़ेंगे तो ऐसी चीज़ें करना ही क्यों अगर मंथली भी आप जैसे आपके पास वीक में टाइम नहीं है तो आप मंथली भी अपना फ्रिज साफ कर सकते हो मंथ में एक बार फ्रिज साफ कर लो बस इनफ रहेगा तो बस यहाँ पर मैं पिछले मैंने मंथ जो है वो फ्रिज साफ़ किया था अभी इस मंथ साफ़ कर रही हूँ वैसे भी दिवाली आने वाली है तो देखो दिवाली की साफ सफाई तो करनी ही है और मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके ही साफ़ सफ़ाई कर लूँ क्योंकि मेरा क्या है कि मैं अकेली ही हूँ घर में साफ़ सफ़ाई करने वाली और मेरा कोई भी हाथ पटाने वाला इंसान नहीं है भाई देखो मैं अकेली हूँ अपने घर में और सास जो हैं वो अब ख़ुद के उनके अपने काम होते हैं पूजा पाठ वग़ैरह करना तो उनके पास भी इतना टाइम नहीं है कि वो मेरी हेल्प करा सके और फिर घर की जिम्मेदारी पूरी मेरी बनती है तो यहाँ पर मैं अपना सोच रही हूँ कि जो भी घर की साफ़ सफ़ाई है क्लीनिंग है उसको धीरे धीरे करके ही ख़त्म करूँगी क्योंकि एकदम मैं इतना सारा काम अगर फैला लूँगी ना तो वो मेरे बस की भी नहीं है मेरी तबीयत जो है वो भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती है पर यह है कि मुझे तो करना ही है तो भाई मैं अपना उसी हिसाब से क्यों ना काम फैलाऊँ तो मैं थोड़ा थोड़ा करके काम फैलाऊँगी और अभी जो ऊनी कपड़े हैं वो भी सारे सुखाने हैं वो तो मैंने बिल्कुल भी सुखाए ही नहीं है आज पड़ोस में ज़्यादातर मैंने देखा कि सभी के कपड़े जो हैं वो सूख चुके हैं सब लोगों ने सुखा लिए हैं बस मेरे कपड़े हैं वही नहीं डले हैं अभी तो मैं सोच रही हूँ एक दिन जो बेड है उसको मैं खोलकर सारे ऊनी कपड़े उसमें से निकाल लेती हूँ और जिस दिन अच्छी धूप निकलेगी उस दिन मैं सारे कपड़े वो है थोड़े थोड़े करके डाल दूँगी एकदम से सारे नहीं डालूँगी पहले मैं क्या किया करती थी पहले मैं सारे कपड़े जो हैं वो एक ही दिन में सब सुखा लेती थी पूरा बेड खोल कर और उसी दिन लगा देती थी मतलब सुबह डाल देती थी जल्दी उठ के छः बजे और फिर शाम को अपना चार बजे सारे कपड़े उठा लेती थी उसके बाद मैं तह लगा के सारे बेड में स्टोर कर देती थी अच्छे से लेकिन अभी क्या होता है कि जैसे जैसे टाइम निकलता है वैसे वैसे बॉडी एनर्जी जो है वो काफ़ी कम होती जाती है तो मैं अब ना एकदम से इतना काम नहीं कर पाती हूँ थोड़ा थोड़ा करके ही कर पाती हूँ तो मैं अपनी बॉडी के हिसाब से अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से ही करूँगी सोच रखा है मैंने तो ये घर की साफ़ सफ़ाई मैं धीरे धीरे करके निपटा रही हूँ जैसे कि अभी फ्रिज साफ़ कर दिया है थोड़ी सी आज मैंने किचन की क्लिनिंग भी की थी तो नीचे नीचे की जो क्लिनिंग है नीचे स्लेब की वो मैंने कर दी थी डब्बे वगैरह पूरी तरह से हटा नहीं की थी जो आगे आगे की साइड से मैंने थोड़ा सा पानी और साबुन डालकर वहाँ से धो दिया था तो मतलब किचन जो है मेरी वो थोड़ी बहुत हद तक जो आ, क्लीन हो चुकी है बाकी ये ऊपर की स्लैब बची है और डब्बे वगैरह जितने भी लगे हुए हैं उन पर क्या होता है कि किचन में जब चिमनी नहीं होती है, तो बहुत दिक्कत होती है वैसे तो मेरी किचन में ये खिड़की लगी हुई है लेकिन ये सिंक के ऊपर लगी हुई है गैस साइड में एक छोटी सी विंडो लगी हुई है जिसके ऊपर जाली लगी हुई है तो वहाँ से जो जितना भी हम लोग खाना बनाते हैं चिकनाई धूल कुछ भी मतलब बाहर नहीं जाती है तो सारे के सारे जो डब्बे वगैरह जो रखे हुए हैं ना किचन के मतलब काउंटर के ऊपर आसपास या जो भी गैस के आसपास तो उन पर चिकनाई जो है ना वो जम जाती है जब भी मैं खाना बनाती हूँ तो जितना भी धुआं वगैरह होता है चिकनाई होती है ऊपर उड़ती है वो सारी के सारी उन डब्बों के ऊपर चिपक जाती है तो थोड़ा थोड़ा सा चिपचिप -चिप जो है वो होने लगते हैं डब्बे लेकिन हाँ कभी भी मैं अपने किचन के डब्बों को इतना ज़्यादा चिपचिपा नहीं होने देती हूँ कि आप उनको हाथ लगाएँ और आपकी उंगलियाँ ही उनसे चिपक जाएँ मेरा क्या है कि महीने में कम से कम दो बार जो है वो मेरे डब्बों की किचन की सफाई हो जाती है मैं उनको थोड़ा थोड़ा किचन में रख के ही यहाँ पर सिंक में वॉश कर देती हूँ तो मुझे इतना ज़्यादा चिपचिप वाली जो सफाई है ना वो नहीं करनी पड़ती है अगर आप महीने में या दो महीने में एक बार किचन की सफाई कर रहे हो या तीन महीने में एक बार किचन की सफाई कर रहे हो तो आपको ज़्यादा एफ़र्ट लगाने की ज़रूरत पड़ेगी अपनी किचन में तो बेटर ये होगा कि आप महीने में मंथ में एक बार अपने किचन की सफ़ाई ज़रूर कर लें डीप क्लिनिंग ज़रूर कर लें उससे होगा ये कि आपको मेहनत बहुत कम लगेगी हर महीने जब आप अपने किचन की सफाई करेंगे तो